हेलो स्टूडेंट्स टूडेज वी विल डिस्कस अबाउट एडल्टरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स मीनिंग टूडेज वी विल डिस्कस अबाउट एडमिक्सचर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ़ द जेन्यून ड्रग विद इन्फेरियर इनएक्टिव यूजलेस हार्मफुल सब्सटेंस। इस चीज़ को अपन कॉमन लैंग्वेज में बोलें देन वी से दैट जेन्यून ड्रग इज जेन्यून ड्रग इज़ रिप्लेस्ड बाई अ इन्फेरियर ड्रग और जिसको अपन बोल सकते हैं मिलावट करना जेन्यून ड्रग के साथ अपन इन्फेरियर क्वालिटी की लो क्वालिटी की ड्रग को मिलाते हैं सो एडल्टरेशन में भी डिफाइंड एज एडमिक्सचर एडमिक एडमिक्सचर मीन्स एक्सीडेंटली मान लो अन इंटेंशनली कोई चीज़ मिला दी जाए एक्सीडेंटली जेन्यून ड्रग के साथ उससे मिलती जुलती क्रूड ड्रग्स मिक्स हो जाती है दैट प्रोसेस इज अ एडमिक्सचर और सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट मीन्स जेन्यून ड्रग को कम्प्लीटली अपन रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह इन्फेरियर क्वालिटी की क्रूड ड्रग को रखते हैं सिमिलरली समाइम्स जेन्यून ड्रग इज़ रिप्लेस बाई इन्फेरियर क्वालिटी ऑफ द ड्रग मीन्स जो जेन्यून ड्रग है उसकी पोटेंसी ज़्यादा है और जो आपकी लो क्वालिटी की ड्रग है उसकी पोटेंसी कम है दैट इज़ द इन्फेरियर क्वालिटी सुपेरियर क्वालिटी के साथ अपन इन्फेरियर क्वालिटी की ड्रग को भी मिक्स करते हैं सो दिस प्रोसेस जो है मिलावट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपका एडल्ट्रेशंस यहाँ पे अपन टू टाइप्स के एडल्टरेशन पाएंगे फर्स्ट है अपना अनइंटेंशनल अन इंटेंशनल मीनिंग अपन को अपन जानबूझ करके मिलावट नहीं करते हैं एक्सीडेंटली मिलावट हो जाती है उसको बोलते हैं अनइंटेंशनल और दूसरी टाइप की जो मिलावट होती है वो जानबूझ करके होती है कि पर्सन और जो मैन्युफैक्चरर है जो सप्लायर है वो जानबूझ करके ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं अपन मिलावट करते हैं तो ये जो टू टाइप्स हैं इन टू टाइप्स को नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल वन बाई वन सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अन इंटेंसनल मीनिंग दिस एडल्टरेशन इज एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल है इसमें अपना मैन्युफैक्चरर का सप्लायर का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता कि इससे ज़्यादा कमाई करनी है या कम कमाई करनी है या ऐसा है ये एक्सीडेंटली आपकी क्या हो जाती है एडल्टरेशन हो जाती है मिलावट हो जाती है दैट इज़ ड्यू टू द कन्फ्यूजन इन द नेम ऑफ क्रूड ड्रग्स समटाइम्स क्या होता है कुछ समय कि कुछ ड्रग्स को क्रूड ड्रग्स को अपन ही नाम से जानते हैं जैसे आयुर्वेदा के अंदर परपटा नाम की जो क्रूड ड्रग है परपटा नाम की क्रूड ड्रग दैट इज ऑप्टेंड फ्रॉम द फुमारिया पार्बी फ्लोरा तो आयुर्वेदा के अंदर फुमारिया पार्बी फ्लोरा को अपन बोलते हैं परपटा बट इन द इन द सिद्धा सिस्टम ऑफ द मेडिसिन दिस परपटा इज नॉन एज मोलुगो पेंटाफाइला मीनिंग दोनों दवा दोनों जो क्रूड ड्रग्स हैं डिफरेंट हैं डिफरेंट सोर्स है बायोलॉजिकल सोर्स इज डिफरेंट बट द कॉमन नेम इज द सेम परपटा आयुर्वेदा के अंदर परपटा फुमारिया के नाम से जाना जाती है बट इन द सिद्धम सिस्टम ऑफ द मेडिसिन दिस परपटा इज नॉन एज मॉलो सो समाइम्स इफ वी डिमांड द परपटा इन द यूज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन

कभी कभी क्या होता है क्रूड ड्रग्स के नाम एक जैसे होने की वजह से भी एडल्टरेशन का टाइप अपन को देखने को मिल जाता है सिमिलरली लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक सोर्स मीनिंग ऑथेंटिक जो सोर्स है ऑथेंटिक सोर्स मानी जो एक्चुअल बायोलॉजिकल सोर्स है उसकी नॉलेज सप्लायर को मैन्युफैक्चरर को नहीं है और उसकी वजह से भी कभी कभी सप्लायर सप्लाई कर देता है अनऑथथेंटिक ड्रग को विदाउट विदाउट इंटेंसनली मीनिंग बिना जानबूझ करके समटाइम्स सप्लायर सप्लाई द रॉन्ग ड्रग लाइक मैसुआ फेरिया इज एडल्ट्रड विद दैलोफाइलम इनोफाइलम ये दोनों दवाएँ दोनों क्रूड ड्रग्स देखने में एक जैसी हैं एंड बट the biological source of these two drugs are different because the supplier जो supplier है उसको biological source की complete जानकारी नहीं है knowledge नहीं है so when lack of knowledge about the authentic source manufacturer or supplier गलती करता है mistake करता है correct drug की जगह incorrect drug की supply कर देता है next similar similarities in the morphology आपने देखा होगा बहुत सी जो मेडिसिन हैं वो देखने में एक जैसी दिखती हैं बार्क है बार्क एक जैसी दिख रही है कलर में एक जैसी दिख रही है सिमिलरली फ्रूट्स हैं लीप्स हैं एक जैसी दिखती हैं मॉर्फोलॉजी उनकी कैसी है एक जैसी है देखने में उनकी सेप साइज कलर एक जैसा है उसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है अन इंटेंशनली एडल्ट्रेशन हो जाता है ना चाहते हुए भी सपोज़ करो आपकी जो सेना लिप्स हैं वो अलेक्जेंडर सेना की लिप्स दूसरी वैरायटी की शेन्ना लीफ से एडल्टर्ड हो गई अन इंटेंशनली देट इज़ द टाइप ऑफ सिमिलरिटीज इन द मॉर्फोलॉजी इन दिस केस मैकुना प्रूरिएंट एडल्टर्ड विद मैकुना यूटिलिटीज मीनिंग दीज टू प्लांट्स आर सिमिलर पर बट वैरायटीज आर डिफरेंट इन दोनों की वेरायटी डिफरेंट है इन दोनों की जो लीप्स होती हैं वो देखने में एक जैसी दिखती हैं देयरफोर यहाँ पर जो सप्लायर है अन इंटेंशनली दोनों का एडल्ट्रेशन करता है लैक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट सपोज करो कि मार्केट में प्लांट की डिमांड ज़्यादा है क्रूड ड्रग की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है उस कंडीशन में उस कंडीशन में भी पर्शन क्या करता है सप्लायर के पास में जो दवा आई जेन्यून ड्रग की जगह दूसरे टाइप की ड्रग आ जाती है जब मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा रहती है और सप्लाई कम रहती है लाइक हाइपेरिकम परफोरे परफोरेटम सब्सटीट्यूटेड विद द हाइपेरियम पैटुलम देखने में एक जैसी लगती हैं बट मार्केट में जो जेन्यून ड्रग की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं इसके अंदर मिलावट की जाती है सिमिलरली इन द केस ऑफ सिमिलरिटीज इन द कलर कलर में कोई दवाएं एक जैसी दिखती हैं पत्तियां एक जैसी दिखती हैं स्टेम्स एक जैसे दिखते हैं जड़ रूट्स एक जैसी दिखती हैं उस कंडीशन में भी अन इंटेंशनली ड्रग का क्या हो जाता है एडल्ट्रेशन हो जाता है लाइक अरनेबिया यूक्रोमा इज एडल्टर्ड विद द बेंटिलेगो मेड्रा स्पेटाना आपने रतनजोत का नाम सुना होगा रतनजोत की जो जड़ है रूट है वो कलर कलरिंग एजेंट के रूप में यूज होती है बट द जेन्यून ड्रग ऑफ द रतन जोत इज बेंटी लेगो मेड्रास्पाटाना दिस इज सब्स्टिट्यूटेड बाई अ रेड डाई दैट इज यूक्रोमा अपन इसको क्या करते हैं एक रेड डाई जो अर्निबिया है क्रूड ड्रग उससे रिप्लेस कर देते हैं केयरलेस कलेक्शन समटाइम्स क्या होता है कि जो कलेक्शन करने वाले हैं लेबर हैं जो क्रूड ड्रक को कलेक्ट करते हैं वो केयरलेस कलेक्ट कर लेते हैं केयरलेस का मीनिंग जो पार्ट जिस जगह से उनको कलेक्ट करना है प्लांट के उसके साथ साथ वो उसके आसपास के पार्ट्स को भी क्या कर लेते हैं कलेक्ट कर लेते हैं दैट इज़ द टाइप ऑफ केयरलेस कलेक्शन सब समाइम्स सम पार्ट ऑफ द स्टेम्स आर कलेक्टेड अलॉन्ग विद द लीव्स फ्रूट्स आपने देखा होगा फ्रूट्स जो होते हैं उनके साथ साथ सम पार्ट्स ऑफ द स्टेम्स आर ऑल्सो कलेक्टेड दैट इज द केयरलेस कलेक्ट कलेक्शन प्रोसीजर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटेंशनल एडल्टरेशन मीनिंग जान बूझ करके कभी कभी आपने देखा होगा जान बूझ करके भी मैनुफैक्चर सप्लायर मिलावट करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि मान लो सपोज करो जेन्यून ड्रग बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए उससे इन्फेरियर ड्रग उसके अंदर मिलाई जाती है उसको बोलते हैं अपन इंटेंशनल जान बूझ करके मिलावट करना जेन्यून ड्रग के साथ में एक इन्फेरियर क्वालिटी की ड्रग को मिलावट करना इंटेंशनल एडल्ट्रेशन कहलाता है लाइक एडल्ट्रेशन विद द मैनुफेक्चरड सब्सटेंसेज आपने देखा होगा जेन्यून ड्रग है उसके साथ अपन आर्टिफिशियल ड्रग को क्या करते हैं मिला देते हैं एक जैसी दिखती है आर्टिफिशियल ड्रग एक जैसी दिखेगी ऑरिजिनल सब्सटेंस इज एडल्टर्ड विद द आर्टिफिशियल सब्सटेंस कई बार आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जैसे जेन्यून जो चावल है बासमती जो चावल है दैट इज एडल्टर्ड विद द आर्टिफिशियली चाइनीज राइस के साथ में अपन क्या कर रहे हैं मिला करके मार्केट मार्केट में पहुंचा रहे हैं सिमिलरली इन द केस ऑफ़ क्रूड ड्रग्स क्रूड ड्रग्स के अंदर भी ऐसा है कुछ जो पाउडर्स हैं वो क्या होते हैं देखने में स्मेल में एक जैसे हैं उनको अपन क्या करते हैं सब्सटीट्यूट कर देते हैं विद द जेन्यून ड्रग के साथ दैट इज़ द इंटेंशनल एडल्टरेशन सेकेंड वन सब्सटीट्यूशन यूजिंग द इन्फेरियर कॉमर्शियल वेराइटीज़ आपने देखा होगा जैन्यन ड्रग की जब कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए सप्लायर क्या करता है उसके अंदर उससे घटिया क्वालिटी की क्रूड ड्रग्स को मिलाते हैं इन्फेरियर क्वालिटी की क्रूड ड्रग्स को मिला देते हैं जैसे ट्रेगाकेंट गम जो है ट्रेगाकेंट जो गम है इस यह कॉस्टली पड़ता है दैट इज़ सब्सटीट्यूटेड बाई द हॉक गम्स जो हॉक गम होता है वो सस्ता रहता है तो इसकी जो कॉस्ट है यह बाइंडर के रूप में यूज होता है इससे क्या है कि आपकी प्रिपरेशन जो है फॉर्मूलेशन है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है देअर फोर शम टाइम्स सप्लायर क्या करते हैं ट्रेगागेंट गम के साथ में हॉक गम्स को मिला देते हैं सिमिलरली सेना लिप्स देखो आप एलेक्जेंडियर सेना जो है सेना लिप्स के साथ में सेन्ना के जैसे दिखने वाली उसकी वेराइटी दूसरी जो वेरायटीज़ हैं उनको मिला दिया जाता है दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन सब्सटीट्यूट करते हैं अपन जेन्यून ड्रग को हटा लेते हैं बिल्कुल वहाँ से और उसकी जगह इन्फेरियर क्वालिटी की जो क्रूड ड्रग्स हैं उसको सप्लाई देते हैं नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन विद द एक्सहॉस्टेड ड्रग आपने देखा होगा कभी कभी जिन ड्रग्स के अंदर क्रूड ड्रग्स के अंदर वॉलीटाइल ऑयल होता है ऐसे फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं जो कॉस्टली हैं उन वॉलीटाइल ऑयल्स को अपन क्या करते हैं पहले से एक्सहॉस्ट कर लेते हैं निकाल लेते हैं जैसे आपने देखा होगा क्लॉक लॉन्ग है लोंग जो हैं उनमें से अपन ने क्लोब ऑयल पहले से एक्सॉस्ट कर लिया निकाल लिया और निकालने के बाद में जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है रिमेनिंग जो पोर्शन है वो देखने में एक जैसा दिखेगा जेन्यून रख के जेन्यून रख के एक जैसा दिखेगा लेकिन उसमें से अपन ने फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट जो मेन फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट था क्लोब का यूजिनॉल उसको क्या कर लिया अपन ने एक्सॉस्ट कर लिया बाहर निकाल दिया और उसके बाद में उसका बचा हुआ पार्ट मार्केट में सप्लाई कर दिया या अपन एक काम कर सकते हैं कि क्लॉब ऑयल में क्लॉब से क्लॉब ऑयल निकाल लिया और बाकी का जो पार्ट है उसको कुछ जेन्यून ड्रग के साथ में मिला कर के मार्केट में सप्लाई कर देते हैं सिमिलरली इन द केस ऑफ फेनल जो सौंप है इसमें से भी अपन वॉलेटाइल ऑयल निकालते हैं जो कि फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में काम में आता है आपने देखा होगा इसको फिर अपन जो एक्स हॉस्टेड जो ड्रग है उसको अपन कुछ जेन्यून ड्रग के साथ में मिक्स करके मार्केट में सप्लाई दे देते हैं सिमिलरली इन द केस ऑफ आमंडस जो आपकी बादाम है बादाम में से अपन बादाम का ऑयल जो है वो निकालते हैं और उन बादाम को मार्केट में सप्लाई दे देते हैं दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन विद एक्सोस्ट ड्रग मीनिंग जेन्यून ड्रग के साथ में अपन वॉलीटाइल ऑयल निकली हुई जो क्रूड ड्रग्स हैं उनको मिला देते हैं सिमिलरली इन द केस ऑफ आपने देखा होगा सिन्नामन सिन्नामन भी इसका केस ही है सिन्नामन का मीनिंग दालचीनी दालचीनी में से अपन ने क्या किया सिन्ना एसिड जो है उसको निकाल दिया उस एसिड को अपन ने किसी दूसरे काम में ले लिया और जेन्यून ड्रग के साथ में एक्सो से ड्रग को मिलाकर के मार्केट में सप्लाई दे दिया नेक्स्ट ऑफ द सुपरफिशियली सिमिलर सिमिलर ड्रग्स आपने देखा होगा ऊपर से देखने में कुछ दवाएं एक जैसी दिखती हैं तो जो एक जैसी दवाएं दिख रही हैं ऊपर से देखने में उन दवाओं के साथ इंफेरियर क्वालिटी की जो क्रूड ड्रग्स हैं उनको मिलाते हैं लाइक सेफ्रॉन आपने केसर के जो फ्लावर्स हैं वो देखे होंगे दीज फ्लावर्स आर सिमिलर टू सेफ फ्लावर्स ये देखने में सेफ फ्लावर के बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं ऊपर से देखा जाए तो सेफ फ्लावर्स और सेफ्रॉन फ्लावर्स एक जैसे दिखते हैं इट मीन्स सेफ फ्लावर्स आर मिक्सड विद द जेन्यून ड्रग ऑफ द सेफ्रॉन जो आपकी केशर के फ्लावर्स हैं उन केशर के फ्लावर्स की जगह ज़्यादा कमाई करने के चक्कर में सप्लायर्स जो होते हैं वो सेफ फ्लावर्स को मिला देते हैं तो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन यह जो एडल्ट्रेशन है वो जानबूझ के हो रहा है जानबूझ के होने वाला जो एडल्ट्रेशन है ये कहलाता है आपका इंटेंशनल एडल्ट्रेशन लास्ट वन है एडल्ट्रेशन यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट आपने देखा होगा ये कभी कभी इन, अन इंटेंसनली भी है एक्सीडेंटल केस में भी आ जाता है कभी कभी क्या होता है इसमें अपन इंटेंसनली भी मिलावट करते हैं जैसे आपने देखा होगा समटाइम्स क्लॉप्स एक्सोस्टेड क्लॉप्स के जो पार्ट हैं जो आपने देखा होगा स्टेम्स जो आपके स्टॉक्स हैं क्लॉप्स के स्टॉक्स को अपन मदर क्लॉप्स के साथ में मिला देते हैं सिमिलरली आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स आ रहे हैं या कुछ लीव्स हैं उनके साथ साथ स्टेम्स के पार्ट होते हैं उन स्टेम्स को अपन जानबूझ करके उनके अंदर बल्क प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए मिला देते हैं दैट प्रोसेस इज आल्सो द part of the intentional adulteration of the plant so that is called adulteration using the vegetative part of the same plant now we will discuss about evaluation of the crude drugs we will discuss about evaluation of crude drugs evaluation of crude drugs first of all we discuss about what do you mean by evaluation of crude drugs it means in this study we identify the unknown drug or we determine we determine the quality and purity so first of all we identify identify and determining determining the quality and purity quality and purity of drugs it means by this method we also determine the adulterations, meaning mixing of the crude drugs. Genuine drug is mixed with the adulter drugs or spurious drugs that can also be determined by the various evaluation methods. So there are mainly five types of the evaluation methods. Five types of इवेलुएशन मैथड इवेल्युएशन मैथड फर्स्ट ऑर्गेनोलैप्टिकल्युएशन ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन दट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल इवेलुएशन मॉर्फो लॉजिकल इवेल्युएशन इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द क्रूड ड्रग्स नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक इसकोपिक दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोलॉजिकल वैल्युएशन एस्ट्रोलॉजिकल इवैल्युएशन इन विच वी स्टडी अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यूज़, नेक्स्ट वन इज फिजिकल इवैल्युएशन फिजिकल

बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इन दिस सेक्शन वी आइडेंटिफाई द ड्रग बाई डिटरमाइनिंग द थेरापटिक एक्टिविटी और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द ड्रग इन इट मीन्स इन द ऑर्गेनो Organoleptic evaluation, we study about the morphological characters. Morphological characters, these morphological characters are first write down organoleptic evaluation, in which morphological characters. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर कलर कलर ऑफ द क्रूड ड्रग ऑर्डर टेस्ट सेप एंड साइज सेप एंड साइज टैक्चर इट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ द इवेल्युएशन वी स्टडी अबाउट द कलर कलर मीनिंग उस क्रूड्रग का कैसा रंग है रंग देखते हैं लाल है नीला है पीला है पिंक कलर है दैट डिटरमाइंड

Gandh, we also determine the purity and quality of the crude drugs by order or smell. Some crude drugs having a characteristic order like clove, clove oil. Having a having its characteristic order by which we easily identify that this is a clove. Similarly, in the case of fennel, fennel means soft. Fennel also having a having its characteristic smell by which we easily identify that this is the smell of fennel. Similarly, test, test like. स्वीट टेस्ट बिटर टेस्ट पंजेंट टेस्ट कड़वा टेस्ट हो सकता है मीठा टेस्ट हो सकता है तीखा तीखा टेस्ट हो सकता है जैसे नीम एच का इंडिका एच का इंडिका हैविंग बिटर टेस्ट बहुत कड़वा है सिमिलरली इन द केस ऑफ ग्लिसराइज़ा, यू कैन सी इन द केस ऑफ नीम एच का इंडिका जिसको बोलते हैं अपन एच का इंडिका एंड टेस्ट इज वेरी बेटर बेटर टेस्ट सिमिलरली इन द केस ऑफ गिलजा गिलेब्रा दैट इज ऑल्सो नोन एज मुलेठी जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं मुलेठी बोलते हैं मुलेठी गिल गिली इजा ग्लेब्रा इट्स हैविंग स्वीट टेस्ट बोलेठी में आपने देखा होगा क्या है मीठा टेस्ट है स्वीट स्वीट टेस्ट सिमिलरली इन द केस ऑफ कैप्सिकम मिर्च कैप्सिकम मिर्च है कैप्सिकम इसका टेस्ट होता है पंजेंट कौन सा टेस्ट है इसका पंजेंट टेस्ट सो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ऑल्सो हेल्प टू डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग्स सिमिलरली इन दिस केस सेप एंड साइज यू कैन सी इन द केस ऑफ द लिप्स लिप्स हैविंग प्री डिटरमाइंड सेप एंड साइज it means a crude drugs that having leaves like this type of the leaves so this plant having similar leaves this type simple leaves simple leaf but some crude drugs or crude plant also having leaflets it means in this type you can see like neem Azardica Indica Azardica Indica having leaflets like this, and this is called compound leaf similarly in the case of touch and textures some crude drugs are also easily identified by touching a smooth or rough surface help in the identification of the crude drugs similarly in the textures texture meaning a key like the stems roots bark that, that are easily break down after completing the drying if these drugs having some amount of the moisture then the text, texture of these drugs will be altered so by this property of the crude drugs we easily identify the adulteration of the crude drugs now we will discuss about one by one morphological characters by which we easily identify the drug First, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बार्क बार्क मीनिंग छाल पेड़ पौधों की छाल दैट इज आउटर कवरेज आउटर कवरेज ऑफ द स्टेम स्टेम के ऊपर जो आउटर कवरेज है दैट इज नॉन एज बार्क छाल होती है लाइक like, छाल किसकी जैसी सिंकोना बार्क सिंकोना बार्क सिन्नामन बार्क सिन्नामन बार्क सिमिलरली कुर्ची बार्क कुर्ची बार्क अशोका बार्क अशोका बार्क दीज वार्क्स हैविंग डिफरेंट शेप्स लाइक दिस फर्स्ट यू कैन सी दिस टाइप सेकेंड वन दिस टाइप दिस टाइप लाइक दिस दिस टाइप डबल क्वील डबल क्वील एंड कंपाउंड क्वील कंपाउंड क्वील लाइक दिस सो देर आर Seven types of the shapes of bark by which we easily identify the crude drugs. This is the channelled, channelled type. This is carved. This is recurved, This is cooled, coiled type of the bark. Similarly, in the case of this double quilled, double quilled, and last one is the compound quilt. This is the compound quilled. So, by these shapes, we easily आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द बार्क दिस बार्क इज दामन वार्क दिस इज दिन वार्क कुर्ची वार्क अशोका वार्क एंड अदर वार्क नाउल डिस्कस अबाउट लीड्स और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर लाइक द रूट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर लाइक

हल्दी जो आती है दट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द राइजॉम्स देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द रूट्स एंड राइजॉम्स लाइक सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल रूट्स सिलेंड्रिकल रूट नाउ क्रॉनिकल रूट्स क्रॉनिकल रूट्स नाउ फ्यूजीफॉन दिस टाइप फ्यूजीफोन form root, next one is the straight roots, straight root, next one is the tortoise, this is called tortoise root. So by these shapes of the root also help in the determination of the quality and purity of the drugs. सो so by these स्ट्रक्चर्स वी easily identify द क्रूड ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स सो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको दिख रहे हैं वो किसके हैं जड़ों के टाइप हैं जड़ जो जमीन के नीचे रहती है सिलिंड्रिकल सिलेंड्रिकल सेप की हो सकती है बेलनाकार आप जब भी पेड़ पौधों की जड़ें उखाड़ के देखो आप तो जड़ें आपको फाइव टाइप्स की दिखेंगी कुछ जड़ें जब उखाड़ के देखोगे आप देखना आप तो सिलेंड्रिकल टाइप की दिखेंगी कुछ पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो कॉनिकल टाइप की हैं कौन जो होता है उस टाइप की जड़ें दिखती हैं सिमिलरली आपने देखा होगा मूली गाजर निकाल के देखो आप तो उनकी जो जड़ें हैं वो कैसी रहती हैं फ्यूजी फॉर्म टाइप की रहती हैं कुछ जड़ें एकदम स्ट्रेट आती हैं एंड टाइप ऑफ द रूट्स हैविंग टॉर्टस स्ट्रक्चर टॉर्टस मीनिंग सर्पाकार लाइक रावल्फिया सर्पेंटाइना विंग द टॉरटस टाइप ऑफ द रूट्स इसलिए उसका नाम क्या था सरपेंटिना था सर्पाकार आकृति सर्पाकार आकृति की जो जड़ें होती हैं उनको अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं टोरटस टोरटस टाइप ऑफ द रूट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिप्स मोस्ट कॉमन आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द क्रूड ड्रग्स लिप्स देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द लिप्स सिंपल लिप्स दो तरीका की लिप्स मिलेगी सिंपल लीप फर्स्ट और सेकेंड वन मिली आपको कंपाउंड कंपाउंड लीप जो सिंपल लीप है सिंपल लिप्स का जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से मिलेगा सिंपल दिस टाइप बट इन द केस ऑफ कंपाउंड लिप्स कंपाउंड लीफ के अंदर आपने देखा हो जैसे नीम एजिका एंडिका नीम में, आप देखो इसकी जो लिप्स मिलेंगी आपको लीफलेट्स के रूप में हैं, इस टाइप से लीफलेट्स। तो ये जो लीफलेट्स बन रही हैं, ये है आपका कंपाउंड लाइक दिस यह है अपनी कंपाउंड और यह है अपनी सिंपल सो बाय दीज स्ट्रक्चर्स वी आल्सो आइडेंटिफाई द एडल्टरेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स इन द केस ऑफ फ्लावर्स फ्लावर्स मीनिंग फूल सम स्पेसिफिक ड्रग्स लाइक द सेफ्रॉन्स रोज क्रूड ड्रग्स आर आइडेंटिफाइड बाय स्टडिंग द स्टडिंग देयर फ्लावर्स फ्लावर्स की स्टडी करनी पड़ती है सेफ्रॉन की जैसे कि सेफ्रॉन रोज इन दिस स्टडी वी डिटरमाइन सेप एंड कलर ऑफ द कैलिक्स रोला एंड्रोसियम एंड्रोसियम दैट इज़ द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइनोसियम, गाइनोसियम, देट इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो द अरेजमेंट ऑफ कैलिक्स करोला एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम वी आईडेंटिफाई द क्रूड ड्रग द केस ऑफ फ्रूट फ्लावर के बाद आता है अपना पार्ट फ्रूट जो फूल है फूल फ्लावर्स, फूल मैक्सिमम किसके यूज किए जाते हैं सेफ्रॉन और रोज केसर और गुलाब इसके अंदर फूलों के अंदर आपने देखा होगा कैलिक्स होती है करोलाज होती है एंड्रोसियम होती है और गैनोसियम होती है इनकी जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग वी आइडेंटिफाई द जेन्यून और स्पूरियस फ्लावर्स इन द केस ऑफ फ्रूट्स फ्रूट्स जैसे त्रिफला चूर्ण हरड़ बहेड़ा आंवला हरड़ बहेड़ा एंड आमला फ्रूट से, फ्रूट से अपन ने बनाया त्रिफिला चूरण सिमिलरली इन द केस ऑफ स्पाइसेज बनते हैं कोरिएंडर, धनिया धनिया का भी फ्रू फ्रूट यही है मतलब सौंफ सौंफ के फ्रूट हैं सिमिलरली इन द केस ऑफ कार्डामम कार्डा मम, काड़ा मम इलायची इलायची के फ्रूट्स हैं सो साइज ऑफ द फ्रूट्स इन विच वी सी द अपन क्या करते हैं इन फ्रूट्स का ट्रांसफर सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन काटोग फ्रूट्स का और ट्रांसफर सेक्शन में वी सी द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्यूल्स सीड्स जो ऑब्यूल्स हैं जो सीड का निर्माण कर रहे हैं उनका अरेंजमेंट चेक करते हैं जैसे कई जगह आपको इस टाइप से इनका अरेंजमेंट मिलेगा फ्रूट्स के अंदर यह अरेंजमेंट देखते हैं कई में आपको इस तरीका से मिल जाएगा अरेंजमेंट कई फ्रूट्स के अंदर आपको इस तरीका से मिल जाएगा अरेंजमेंट सो दिस अरेंजमेंट ऑफ दूल्स आल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द क्रूड ड्रग्स इन द केस ऑफ सीड्स अब आते हैं अपन बीज सीड्स पे सीड्स का मतलब बीज जो फल है फल बनने के बाद में बीज बनते हैं ये जो सीड्स हैं सीड्स की भी सेप और साइज डिफरेंट होती है सो दिस सेप एंड साइज ऑफ द सीड्स आल्सो हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग्स लाइक यू कैन सी सीड्स सीड्स में आपने देखा होगा नक्स का सीड्स एग्जाम्पल बताता हूं आपको नक्स का सीड्स आमंड सीड्स दी सीड्स में भी स्फेरिकल इंसेप स्फेरिकल इंसेप अंडाकार हो सकते हैं दिस टाइप दैट इज नॉन एज ओवेल टाइप दिस मे भी ग्लैंडुलर ग्लोबुलर सिमिलरली दिस सीट्स में भी रेनीफॉर्म लाइक दिस रेनीफॉर्म दिस मे भी प्लांटो कॉन्वैक्स प्लानो कॉनवैक्स टाइप ऑफ द सीड्स इट मीनस जो बीज हैं क्रूड्रग्स के जो बीज हैं उन बीज की सेप पांच पांच तरीके से हो सकती है स्पेरिकल गोल गोल ओवेल अंडाकार हो सकती है ग्लोबुलर हो सकती है ग्लोबुल जैसा रेनीफॉर्म बीच में से पिचके हुए बीज रहते हैं और साइड से आपके राउंड रहते हैं पीछे साइड से राउंड रहेंगे सम आपने देखा होगा सम टाइप ऑफ़ द सीड्स आर आल्सो हैविंग कॉन्वेक्स सरफेस एट द वन साइड एंड वन सरफेस इज द फ्लैट सो दिस इज द फ्लैट सरफेस एंड दिस इज द कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सरफेस दिस इज नॉन एज प्लानो कॉन्वेक्स टाइप ऑफ द सीड्स सो बाई दिस अरेंजमेंट ऑफ द सीड्स we easily identify the purity and quality of the crude drug now we will discuss about another morphological characters that is the sensory characters sensory character like color order taste shape size and touch and textures इट मीन्स दीज आर द कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर जिनको अपन महसूस कर सकते हैं सेंस ऑर्गेन्स की हेल्प से सेंस ऑर्गेन्स कौन से अपने आंख कान नाक इनसे तो सेंसरी कैरेक्टर लिखो आप इन विच वी स्टडी अबाउट कलर ऑर्डर टेस्ट टेक्सचर इट मींस सम क्रूड ड्रग्स हैविंग स्पेसिफिक कलर लाइक रेड कलर ग्रीन कलर ग्रे कलर ऑरेंज कलर सो बाय दिस कलर वी इजीली आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग सिमिलरली इन द केस ऑफ ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर ऑर्डर मतलब गंध सुगंध गंध वॉलेटाइल ऑइल्स Of the cardamom, fennel, volatile oil, volatile oils of cardamom, clove having a specific order. So, by which we easily identify the crude drug. Similarly, in the case of test, test is of three types sweet test, sweet. बिटर पंचेंट, स्वीट का मतलब होता है मीठा मीठा टेस्ट अब मीठा टेस्ट ग्लिसराइज़ा ग्लेब्रा है जैसे तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ग्लिसराइज़ा ग्लेब्रा ये इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं मुलेठी बोलते हैं मुलेठी, मुलेठी का जो टेस्ट है वो मीठा होता है सिमिलरली इन द केस ऑफ एजारडी का इंडिका एजारडी का इंडिका नीम नीम का टेस्ट कड़वा होता है करेला है कोकरबेटी फैमिली का टेस्ट बहुत कड़वा होता है सिमिलरली तीखा तीखी कौन है मिर्च जिसको बोलते हैं कैप्सिकम कैप्सिकम सो बाय द टेस्ट वी आल्सो डिटरमाइन द आइडेंटिटी क्वालिटी एंड प्यूरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग्स सिमिलरली टच सम ड्रग्स विंग स्मूथ सरफेस रफ सर्फेस और फ्रैक्चर सर्फेसो बाई दिस बाई दिस कैरेक्टर वी आल्सो डिटरमाइन द आइडेंटिटी प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स सिमिलरली इन द केस ऑफ ट्रैक्सचर ट्रेक्सचर मीनिंग होता है आपका इफ वी ब्रेक द स्टेम बार्क पार्ट ऑफ द क्रूड ड्रग्स इफ अ ड्रग रूट पार्ट स्टेम पार्ट बार्क पार्ट हैविंग मॉइस्चर कंटेंट मोर देन स्पेसिफाइड क्वान्टिटी इट्स इट्स टेक्स्चर इज मोर इट मींस जब अपन जड़ तने और छाल छाल को तोड़ के देखते हैं तो कुछ छाल आपकी क्या हो जाती है थोड़े से मोड़ने से कर्व करने से फ्रैक्चर्ड हो जाती है टूट जाती है भंगुर बोलते हैं जैसे भंगुर प्रकृति का है कुछ जो जड़ें हैं स्टेम्स हैं वो आप पूरा फ्लेक्सिबल होती हैं वो नहीं टूटती हैं

कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन मीनिंग बाई दिस इवेल्युएशन वी यूज द माइक्रोस्कोप यूज माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइका माइक्रोस्कोप्स, सो दीज आर द माइक्रोस्कोप्स दैट आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर मैग्निफिकेशन वैल्यू माइक्रोस्कोप क्या होती है एक माइक्रोन साइज के पार्टिकल को माइक्रोन साइज के ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाती है छोटे से साइज के ऑब्जेक्ट को क्या करती है ये बड़ा करके दिखा देती है सो विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप वी आइडेंटिफाई द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स जो सेल्स होती है वो छोटी छोटी होती हैं, जो से आपको नहीं दिखती हैं, उनका अरेंजमेंट उनका अरेंजमेंट अपन देखते हैं तो ये जो अरेंजमेंट होता है अपन दो टाइप से देखते हैं एक तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन काटके एक है आपका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडी सेक्शन सपोज करो अपना ये कोई स्टेम पार्ट है इसको अपन इस टाइप से काट दो सिंपल दिस इज द ट्रांसवर्सल जिसको बोलते हैं एंड इसको अपन इस टाइप से भी काट सकते हैं दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन एंड आफ्टर सेक्शन वी ऑप्टेन अ थिन लेयर ऑफ द part of crude drug so microscopic evaluations having two types of the evaluation qualitative and quantitative first qualitative qualitative and second one quantitative, quantitative by the help of first method we determine the quality and purity of the drug but by the second method quantitative in which we find out the quantity of genuine drug quantity of genuine drug in the sample so there are mainly two methods qualitative and quantitative now we will discuss about one by one method qualitative क्वाली क्वालिटेटिव इवेल्युएशन इन दिस टाइप ऑफ द इवेल्युएशन वी डिटरमाइन लीफ लेट्स और लीफ कॉन्स्टेंट लीफ कॉन्स्टेंट

आइसलेट नंबर एंड लास्ट वन है वेन टर्मिनेशन नंबर वेन टर्मिनेशन नंबर सो बाई दिस लीप कॉन्स्टेंट दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द केस ऑफ लीप्स पत्तियों के केस में मैक्सिमम क्रूड ड्रग्स आर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ द लीव्स पत्तियों के रूप में होती हैं उनकी अपन क्या करते हैं लीफ कांस्टेंट चेक करते हैं लीफ कांस्टेंट में सबसे पहले बात आती है अपनी अपन स्टार्ट करते हैं स्टोमेटा से किससे स्टार्ट करते हैं स्टोमेटा स्टोमेटा मीनिंग माइन्यूट ओपनिंग माइन्यूट ओपनिंग ये होती हैं आपकी माइन्यूट ओपनिंग एट सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स एपिडर्मल सेल्स का मीनिंग है आउटर लेयर जो पत्ती है पत्ती की आउटर लेयर अपर लेयर और बिलो एपिडर्मल लेयर आउटर लेयर होती है अपर सरफेस ऑफ लीव दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हॉल्स माइन्यूट हॉल्स छिद्र छेद होते हैं लिप्स के ऊपर और नीचे इनको बोलते हैं अपन स्टोमा वन सिंगल हॉल और सिंगल ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमा सिंगल ओपनिंग सिंगल ओपनिंग आपकी स्टोमा कहलाती है और टू और मोर ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटास इन दिस क्लासिफिकेशन वी डिटरमाइन द टाइप ऑफ स्टोमेटा टाइप ऑफ स्टोमेटा टाइप्स ऑफ स्टोमेटा जो माइन्यूट ओपनिंग्स हैं वो कई टाइप्स की हैं ये जो माइन्यूट ओपनिंग्स हैं वो टू टाइप्स की सेल्स से बनती हैं गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स टू सेल्स हैं टू सेल्स कौन सी गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सब्सिडरी सेल्स इन दिस सेक्शन गार्ड सेल्स दो होती हैं टू ये हमेशा कितनी रहेंगी टू सेल्स रहेंगी ऑलवेज दिस सब्सिडरी जो सेल्स हैं दट आर दार्ट ऑफ एपिडर्मल सेल्स दिस मे बी टू सेल्स थ्री सेल्स और मोर सेल्स इनका जो अरेंजमेंट है सब्सिडरी सेल्स का और गार्ड सेल्स का अरेंजमेंट बनाता है स्टोमेटा का टाइप स्टोमेटा का क्या बना देता है टाइप बना देता है फर्स्ट टाइप है डाइसाइटिक डाइसाइटिक स्टोमेटा डाइसाइटिक स्टोमेटा सेकंड वन पेरासाइटिक पेरासाइटिक स्टोमेटा थर्ड वन एनआईसोसाइटिक इंस्ट्रुमेंटा साइटिक स्टोमेटा फोर्थ एन स्टोमेटा enomocytic stomata so there are mainly four types of the stomata by which we easily or correctly identify the quality and purity of the crude drugs like now we will discuss about arrangement of the cells in the stomata first diacytic like this this these are the two guard cells which forms in the center of op opening that is called stoma and if subsidiary cells two subsidiary cells is arranged

Okay. so when guard cell is covered with the two subsidiary cells which crosses the guard cells then this arrangement is called dicytic stomata similarly in the case of parasitic parasitic stomata

these guard cells are covered with subsidiary cells that are parallel parallel like this like this subsidiary cells are parallel therefore this type of the stomata is called parasitic stomata डाइसाइटिक स्टोमेटा आर फाउंड इन द केस ऑफ बसाका पैरासाइटिक स्टोमेटा फाउंड इन दिप्स इट मीन्स यहाँ पे अपन ने दो दो टाइप के स्टोमेटा पढे कौन कौन से डाइसाइटिक स्टोमेटा हैं और दूसरे हैं अपने पैरासाइटिक स्टोमेटा जो डाइसाइटिक स्टोमेटा हैं इसमें जो गार्ड सेल्स हैं दो गार्ड सेल्स हैं और दो सब्सिडरी सेल्स हैं ये दो गार्ड सेल्स कवर रहती हैं अपनी सब्सिडरी सेल से वेन दीज टू सब्सिडरी सेल्स क्रॉसेज क्रॉस करती हैं गार्ड सेल्स को तो बनता है अपना डाइसाइटिक स्टोमेटा इसी तरीका से आप देखोगे पैरल स्टोमेटा जब अपनी गार्ड सेल्स सब्सिडरी सेल्स के पैरल चलती हैं पैरल चलती हैं तब बनता है अपना पैरासाइटिक स्टोमेटा ये स्टोमेटा मेनली सेना लिप्स में मिलते हैं और इस टाइप के स्टोमेटा मेनली बसाका लिप्स में मिलते हैं नाउ थर्ड टाइप ऑफ द स्टोमेटा आर कॉल्ड एन आइसोसाइटिक एन आइसोसाइटिक स्टोमेटा नाम से ही पता चल रहा है अनइक्वल टाइप ऑफ द स्टोमेटा होते हैं अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा इसमें क्या है अपनी दो गार्ड सेल्स रहती हैं। ये दो गार्ड सेल हैं, ये दो गार्ड सेल हैं। इसके बाद इसमें तीन सब्सिडरी सेल्स होती हैं। दो बड़ी रहती हैं और दो दो बड़ी रहती हैं और एक छोटी रहती है अनइक्वल। लाइक दिस एक ये हो जाएगी एक ये हो गई और एक छोटी रहती है इट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ द एस्टोमेटा सेल्स ऑफ सब्सिडरी सेल्स आर अन एकक्वल अन एकक्वल सेप दो छोटी दो एक छोटी हो गई और दो बड़ी हो जाती है एंड दिस टाइप ऑफ द हॉल इज कॉल्ड एन आइसोसाइटिक एस्टोमेटा एज फाउंड इन द बेलाडोना लीप कौन सी लीप में मिलता है बेलाडोना लीफ के अंदर मिलता है फोर्थ टाइप का जो स्टोमेटा है अपना वो है अपना एनेमोसाइटिक स्टोमेटा कौन सा एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। एनेमोसाइटिक स्टोमेटाज़ आर इनरेगुलर सेप स्टोमेटा इस टाइप के स्टोमेटाज के अंदर दो गार्ड सेल्स रहती हैं और चार या चार से ज्यादा फोर और मोर देन फोर सब्सिडरी सेल्स होती हैं दैट आर अरेज इनरेगुलरली लाइक दिस आपकी गार्ड सेल है दो गार्ड सेल हैं और इसके बाद इसके अंदर चार या चार से ज्यादा अपनी क्या है सब्सिडरी सेल्स से। हैं यह वाली चेक कर सकते हो आप इट मीन्स द इंस्टोमेटा विच हैविंग टू गार्ड सेल्स एंड फोर और मोर सब्सिडरी सेल्स सब्सिडरी सेल्स कवर्ड द गार्ड सेल्स एनमोसाइटिक इंस्टोमेटास आर फाउंड इन द डिजिटेलिस्लिप्स कौन सा लीप डिजिटेलिस डिजिटलिस्प्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंस्टोमेटल नंबर इंस्टोमेटल इंडेक्स इंस्टोमेटल नंबर दिस डिनोट द एवरेज नंबर ऑफ इंस्टोमेंटा इन वन स्क्वेयर मिलीमीटर एरिया ऑफ द एपिडर्मल सेल्स मीन्स दिस डिनोट एवरेज नंबर एवरेज नंबर ऑफ इंस्टोमेंटा प्रेजेंट इन वन स्क्वेयर मिलीमीटर वन स्क्वेयर मिलीमीटर एरिया ऑफ एपी एपिडर्मिस एपी के वन स्क्वेयर मिलीमीटर वन स्क्वेयर मिलीमीटर क्या होता है देखो आप इस टाइप से इसकी लंबाई और चौड़ाई वन मिलीमीटर इधर एंड वन मिलीमीटर इधर वन मल्टीप्लाई बाई वन वन स्क्वेयर मिलीमीटर वन मिलीमीटर लंबाई, मिलीमीटर चौड़ाई दै एरिया कॉल्ड स्क्वेयर मिलीमीटर सो इन दिस एरिया वी काउंट द एवरेज नंबर ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा के एवरेज नंबर निकालते हैं देन दिज एवरेज नंबर ऑफ द स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल नंबर

जेंट इन एपिडर्मल सेल्स इन यूनिट एरिया वन स्क्वायर मिलीमीटर एरिया के अंदर परसेंटेज ऑफ स्टोमेटा काउंट किए जाते हैं स्टोमेटल इंडेक्स के रूप में दैट इज कैलकुलेटेड बाई अ स्टोमेटल इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाई अ फॉर्मूला लाइक दिस एस अपॉन

नंबर ऑफ इंस्ट्रोमेंट प्रेजेंट इन द यूनिट एरिया वन मिलीमीटर एरिया ई कैपिटल ई डिनोट एवरेज नंबर ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एवरेज नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन यूनिट एरिया सो बाई दिस फॉर्मुला वी इजली आइडेंटिफाई द पर्सेंटेज ऑफ द स्टोमेंट प्रेजेंट इन द यूनिट एरिया आफ्टर दिस वी स्टडी अबाउट पेलीसेड रेशियो थर्ड वन पेलीसेड रेशियो वट डू मीन बाई पेली पेलीसेड रेशियो इज द Average number of palliate cells that are present beneath the single epidermal cells. Suppose this is a epidermal cell, epidermal cells having a two or more pillar-like cells beneath beneath the cells, like this. These cells प्रोवाइड द स्ट्रेंथ और सपोर्ट टू द पहली पेलीसेड जो सेल्स हैं पहली पेलीसेड सेल्स लिप के स्ट्रक्चर को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं जिसकी वजह से लीफ के अंदर क्या आ जाती है टाइटनेस आती है सो हियर पहली पेलीशेड रेशियो इज द एवरेज नंबर ऑफ द सेल्स ये वाली सेल पहली पेलीशेड सेल्स पहली सेड सेल्स

नंबर ऑफ पेलीसेड सेल्स प्रेजेंट प्रेजेंट इन बिलो द एपिडर्मल सेल बिलो और बीनीथ एक ही चीज है बीनीथ एपिडर्मल सेल ये हो गया आपका पैलिसिड रेशियो आफ्टर दिस वी डिस्कस अबाउट बैन टर्मिनेशन नंबर और बैन आइजलेट नंबर इसको भी देख लेते हैं अपन फोर्थ वन बैन आइजलेट नंबर बैन आइजलेट नंबर क्या होता है भाई आइलेट आइलैंड टाइप का सपोज दिस इज अ लीफ क्चर लाइक दिस एंड लीफ हैविंग मिडरिप दिस इज द मिडरिप एंड दिज आर द बैंस बेंस हैं भैया कुछ बेंस आपने देखा होगा ये जो बेंस हैं आपकी मार्जिन तक जाती है लीफ मार्जिन ये दिस इज द मार्जिन ऑफ द लीफ हियर वी स्टडी अबाउट द आई लेट आईलेट्स meaning the bands which not reaches up to margin like this in a specific area 1 square millimeter. So, here we count the average number of the islet, eyelet beam, band of the islet present between the midrib, this is the midrib and margin of the leaf. That study is called band islet number.

डिनोटेड विथ एंड पोर्शन टर्मिनेशन नंबर यहां पे अपन क्या करते हैं ऐसी वैन को काउंट करते हैं जो वैन्स मार्जिन तक पहुंचती हैं जैसे आप देख रहे हो आप सपोज करो अपन यहाँ पे एक वन मिलीमीटर का पोर्शन लेते हैं और इसमें जितनी भी वैन्स मार्जिन को टच कर रही हैं उनकी काउंटिंग करते हैं मार्जिन तक पहुंचने वाली ये जो वैन्स हैं एवरेज नंबर ऑफ द वैंस कहलाती हैं आपकी वैन टर्मिनेशन नंबर प्लांट की हर पत्ती के अंदर वेन टर्मिनेशन नंबर फिक्स है स्टोमेटल इंडेक्स फिक्स रहता है भाई, सो दिस स्टडी वी द क्रूड ड्रग्स क्वालिटी एंड प्यूरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग्स विल ऑल्सो आइडेंटिफाई विद द लीफ कॉन्स्टेंट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ लास्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड थड क्या होता है भाई ये लाइकोपोडियम स्पोर मैथड ये स्पोर मैथड अपन पाउडर जो दवाएं हैं पाउडर फॉर्म में मिलती हैं जैसे चूर्ण हैं अपन को यह इवेल्युएट करना है कि जैसे कायम चूर्ण है या आदि चूर्ण है उन चूर्ण के अंदर चूर्ण चटनी के अंदर क्या मिलावट है मिलावट तो नहीं कर रखी है एडल्टरेशन तो नहीं है मिक्सिंग तो नहीं है जेन्यून ड्रग के अंदर कोई स्पूरियस ड्रग तो नहीं मिला रखी है और मिला रखी है तो कितनी क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी में मिला रखी है सो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज वेरी वेरीबल टू आइडेंटिफाई द इम्प्यूरिटी इन द पाउडर फॉर्म ऑफ द ड्रग अब पाउडर फॉर्म अपनी आयुर्वेदा आयुर्वेद में क्या है चूरण तो इट मींस चूरण में बी आइडेंटिफाइड इजली बाय दिस मेथड लाइकोपोडियम स्पोर्स लाइकोपोडियम स्पोर्स ही क्यों चुनेगा इस मेथड के लिए बिकॉज लाइकोपोडियम स्पोर्स हैविंग यूनिक यूनिक साइज यूनिक साइज एंड वेट लाइकोपोडियम के जो स्पोर्स हैं इनका जो वेट है इनकी जो सेप है वो यूनिक है वन मिलीग्राम लाइकोपोरियम लाइकोपोडियम हैविंग 94,000 फोर थाउजेंड चौरानवे हजार स्पोर्स नाइन्टी फोर थाउजेंड फिक्स हैं कि वन मिलीग्राम लाइकोपोडियम चूर्ण हैविंग नाइन्टी फोर स्पोर्स एक मिलीग्राम लाइकोपोडियम के पाउडर के अंदर चौरानवे हजार स्पोर्स मिलेंगे सो दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू इवेल्युएट द पाउडर फॉर्म ऑफ द क्रूड ड्रग्स इन दिस मेथड वी आइडेंटिफाई द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द ड्रग क्रूड ड्रग परसेंटेज प्योरिटी परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ क्रूड ड्रग बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर अपन को कुछ पैरामीटर्स लेने हैं लाइक like, कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई चौरानवे हजार मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई एस एम पी दिस इज अ फॉर्मूला स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द प्यूरिटी परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग सपोज करो हमें यह पता करना है कि कायम चूर्ण जेन्यून है या स्पूरिया से नकली है तो त्रिफला चूर्ण है या अदर चूर्ण पेट सपा चूर्ण है इनको अपन को पता करना है कि दीज दीज ड्रग्स मार्केटेड ड्रग्स आर स्पूरियस मिलावटी हैं मिक्स मिक्स करके तो नहीं दी गई हैं या प्योर हैं सो दिस कैन बी डन बाय द यूज ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। अब अपन देखते हैं कि इसमें जो एन क्या है भाई एन वाट डू मीन बाई एन डब्ल्यू एस एम पी थड सोइंग एन इक्वल टू एन डिनोटेड बाई नंबर ऑफ सैंपल पार्टिकल्स जो भी सैंपल चाहे आप कैम चूर्ण ले रहे हो चाहे त्रफला चूर्ण ले रहे हो कोई भी चूर्ण लो आप उसमें आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी में चूर्ण लेना होगा और लाइकोपोडियम स्पोर स्पोर्स लेने होंगे स्पेसिफिक वेट में तो यहां पर होगा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ सैंपल पार्टिकल सिंपल पार्टिकल्स हैं ये प्रेजेंट इन 25 फील्ड्स अब ये 25 फील्ड्स क्या होती हैं ये मैं बताता हूं सिमिलरली W W वेट वेट ऑफ द लाइकोपोडियम स्पोर्ट्स वेट ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर पाउडर स्पोर पाउडर इसका वेट निकालना होगा सिमिलरली इन द केस ऑफ एस एस क्या चीज है भाई नंबर ऑफ यहां पे है सैंपल यहां पे लेंगे पर नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स उसके बाद आएगा अपना एम और पी एम कहलाएगा आपका वेट ऑफ द लाइकोपोडियम के बाद आता है अपना सैंपल सो वेट ऑफ सैंपल वेट ऑफ सैंपल इन मिलीग्राम मिलीग्राम के अंदर अपन क्या करेंगे इसका वेट निकाल लेंगे सैंपल का जिसका भी चूर्ण का लेना है उसके बाद में पी ये जो पी है ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसी भी पाउडर का स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसी भी टाइप के पाउडर लो चाहे जिंजर पाउडर ले आपने सौंठ का पाउडर ले लो आप उस पाउडर के अंदर पी डिनोट बाय स्पेसिफिक ये क्या करता है इसमें पता लगता है नंबर ऑफ द स्टार्च ग्रेन्स नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन्स प्रजेंट इन वन मिलीग्राम प्रजेंट इन वन मिलीग्राम ऑफ सैंपल जो सैंपल है उस सैंपल के वन मिलीग्राम में कितने स्पोर हैं स्टार्च के ग्रेन से लाइक जिंजर कंटेन टू लैक्स एटी सिक्स थाउजेंड हर पाउडर में अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर है उस पाउडर के वन मिलीग्राम के अंदर स्टार्च ग्रेन्स की क्वान्टिटी स्पेसिफाई कर रखी है अपनी इंडियन फार्माकोपिया के अंदर इन सारी वैल्यूज को इफ अपन इस फॉर्मूला के अंदर परसेंटेज प्यूरिटी वाले फॉर्मूला के अंदर रखते हैं एन इंटू डब्लू इंटू नाइंटी फोर थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई एस एम पी इसके अंदर रखते हैं अपन को क्या मिल जाएगी परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द चूरण चूरण के अंदर कोई मिलावट है जेन्यून ड्रग कितनी परसेंटेज में मिली हुई है वो अपन को इस फॉर्मूले से इजिली डिटरमाइन हो जाएगी देन वी फाइंड आउट द चूरण इज जेन्यून और स्पोरियस नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल इवेल्युएशन बायोलॉजिकल इवेल्युएशन